हेलो दोस्तों, मैं रुपेश कुमार मिश्रा आप लोग के लिए क्लास 11th यूनिट एंड डायमेंशंस का एक टॉपिक है जिसका नाम है लैंग्वेज बेस्ड न्यूमेरिकल्स। जिसका नाम है लैंग्वेज बेस्ड न्यूमेरिकल्स, मतलब अब आप लोग को लैंग्वेज दिया हुआ रहेगा और उसके द्वारा आपको पढ़कर फॉर्मूला को ड्राइव करना है डायमेंशन मेथड के द्वारा। किसके द्वारा? डायमेंशन मेथड के द्वारा, ठीक है। तो ये आपका क्लास 11th का चीज है और वो चैप्टर 1 का है, क्लास 11th चैप्टर 1, दैट इज द यूनिट एंड डायमेंशन, ठीक है। अब देखिए, जैसे एक सवाल लिखा हुआ है यहां पर, न्यूमेरिकल्स लिखा है, डिराइव बाय मेथड ऑफ डायमेंशंस एंड एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स ऑन मास, फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। सिंपल चीज है, आप लोग को इस लैंग्वेज को देख के ये पकड़ना है सबसे पहले, ठीक है। अगर एक सम्स आप समझिएगा तो 10 सम्स बनाइएगा। इसमें पकड़ना क्या है कि डिपेंड वर्ड, कि कौन किस पर डिपेंड कर रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट हम देख रहे हैं कि एनर्जी मेरा डिपेंड कर रहा है मास पर, फ्रीक्वेंसी पर एंड एम्पलीट्यूड पर। तो हम जो लिखने जा रहे हैं, ध्यान दो यहां पर, एनर्जी का सिंबल ई होता है, डिपेंड का मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किस पर? मास एम, फ्रीक्वेंसी न्यू बोला जाता है, एम्पलीट्यूड का आर। अब सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, तो प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कांस्टेंट हम के लगाएंगे, तो मास एम पे पावर ले लेना ए, फ्रीक्वेंसी पे पावर बी, एम्पलीट्यूड पे पावर सी। अब डायमेंशन डालेंगे, तो एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है भाई, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। अगर आप लोग को डायमेंशन नहीं समझ में आया तो मेरा एक वीडियो दिया हुआ है, फर्स्ट वीडियोस है डायमेंशंस का ही, आप लोग देखिए, वॉच कीजिए और जरूर समझ में आएगा। उसके बाद के, मास का डायमेंशन क्या होता है, एम कैपिटल एम पावर ए, फ्रीक्वेंसी का टी इनवर्स 1 पावर बी, एम्पलीट्यूड का डायमेंशन एल पावर सी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का एक्चुअल में हम बता देते हैं फिर से एक बार, न्यू इज इक्वल टू इसका फॉर्मूला था 1/T टाइम पीरियड, तो डायमेंशन मेरा क्या होगा इसका, 1/T, टाइम का डायमेंशन टी ही होता है, तो टी इनवर्स 1 हमने इसका डायमेंशन लिखा। अब क्या करेंगे हम, अब सीधा हम इसको सेपरेट करेंगे, सेपरेट धोकर नहीं करेंगे, देखकर पावर को, एम पे पावर ए इधर तो है नहीं, रहने दो, टी पे पावर -1 इंटू बी, दैट मीन्स -b, एल पे पावर सी, हो गया। अब सिंपल सा लैंग्वेज है, ध्यान दो यहां पर। अब इसको हम कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे, कंपेयर। तो कंपेयर कैसे करेंगे भाई, एम पे पावर 1 है यहां, एम पे पावर ए है, तो लिखेंगे इसको एम पे पावर 1 और एम पे पावर ए, दैट मीन्स ए इक्वल टू मेरा निकल गया 1। उसके बाद एल पे पावर 2 और उधर एल पे पावर सी है, यानी सी इक्वल टू 2 और टी पे पावर -2 और उधर टी पे पावर -b, तो माइनस माइनस कैंसल, दैट मीन्स बी इक्वल टू कितना आया 2। अब ए बी सी तीनों हमने फाइंड किया, अब तीनों को उठा के सेकंड वाले लाइन में बैठाइए, फॉर्मूला प्रूफ होगा, ध्यान दीजिए। तो E इक्वल टू सेकंड वाला लाइन, K M पे पावर A, A का वैल्यू कितना है 1, न्यू इस पे पावर B वैल्यू कितना है 2 और उसके बाद R इस पे पावर कितना है C, C का वैल्यू भी 2 है, इसका मतलब मेरा फॉर्मूला आया K M न्यू स्क्वायर R स्क्वायर, ये मेरा फॉर्मूला प्रूफ हो गया। हमको लगता है यूनिट डायमेंशंस का मॉडर्न एबीसी का एक सवाल है, इसको आप देख सकते हैं, फिर एक और न्यूमेरिकल हम लेकर आएंगे। थैंक यू।